नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं जूलॉजी में एमएससी करने के बाद कुदरती यानी नेचुरल फार्मिंग करने वाले संगरूर पंजाब के किसान जरनैल सिंह से। जो हमारे बगल वाला किसान केमिकल कमाता है 10 एकड़ से, उससे 1.5 गुना हम ज्यादा कमा लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो कुदरती खेती है, चाहे आप उसे प्राकृतिक खेती कह लीजिए या फिर नेचुरल फार्मिंग कह लीजिए, ये ऑर्गेनिक या फिर जैविक खेती से बिल्कुल अलग है। हमारा 10 एकड़ में खेती है। खेती करने का जो हमारे टेक्निक है वो नेचुरल है, जो जैविक खेती कहते हैं हम। असल तो जो शब्द है वो कुदरती है, ऑर्गेनिक वर्ड तो वैसे हम मानते नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं। ये इंग्लिश जो एजुकेटेड लोग हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, ऑर्गेनिक का मींस नॉन मतलब केमिकल समझे जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बाजार में जाते हैं खाद बीज या कोई रसायन खरीदने के लिए, तो आपने दुकान में देखा होगा कि ऑर्गेनिक या फिर जैविक खेती के नाम पर बहुत से उत्पाद बाजार में मिलते हैं। जैसे आपने वहां पर देखा होगा ऑर्गेनिक खाद, कीटनाशक या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह वहां पर रखे होते हैं। दरअसल ये एक साजिश है उन लोगों की जिनके रासायनिक खाद अब बिकने कम हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग प्राकृतिक खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ने लगे हैं, तो इन्हें लगा कि उनकी दुकानदारी अब बंद हो जाएगी, तो उन्होंने उसी के नाम पर ये उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं। इन उत्पाद को इस्तेमाल करते हुए जब आप खेती करें तो ये रासायनिक खेती से भी ज्यादा महंगी साबित हो सकती है। इसीलिए ऐसी चीजों से बचें। अपने खेतों के लिए खाद, फंजिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स अपने घर पर ही बनाएं, तभी वो कुदरती खेती है। केमिकल का तो लोगों को बहुत नॉलेज हो गया कि बहुत हार्मफुल है, तो आपके पास आज अब क्या अल्टरनेटिव है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अल्टरनेटिव है कि हमारे पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक अपने पास मैन्योर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अब वो लोगों को दूसरे ढंग से ऑर्गेनिक के नाम पे लूट रहे हैं। कितने प्रोडक्ट्स आप देखो बेच रहे हैं, वो फर्जी काम हो रहा है। कहीं भी देश में कहीं कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है। इसीलिए हमें तो देखना है कि नेचुरल एग्रीकल्चर शब्द बोलना चाहिए, और नेचुरल ही हमारे देश में होता था। हमारी पुरानी जो टेक्निक है देश की, वो ही उसको ही डेवलप करने का जरूरत है। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो सिर्फ देसी बीजों का ही इस्तेमाल करें। संकर बीज या फिर हाइब्रिड बीज अगर आप लगाएंगे तो पैदावार उतनी नहीं होगी जितनी देसी बीजों से होगी। हम जो सीड को बोते हैं वो हमारे ओल्डेस्ट सीड है, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट है। ये जो बीट है, वंशी बीट है, कम से कम 2000 साल पुराना सीड है हमारे देश में। ये हमारे देश में किसानों ने संभाल के रखा हुआ है, उनसे हम इधर उधर से इंडिया से ले लेते हैं। अक्सर जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती करने से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो प्राकृतिक खेती है उसमें पैदावार भी कम होती है और मेहनत भी ज्यादा लगती है, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें कोई भी लेबर नहीं करना पड़ता। जो बीड्स का प्रॉब्लम है ये भी इतना नहीं है, इसको इतना नहीं सोचना है। ये तो होता है, कर लो, तो नहीं होगा तो इतना बर्डन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ये खत्म होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे खेत का जो फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, वैसे हमारा क्रॉप तकड़ा होगा। देखो, प्लांट का एक नेचर है, प्लांट ने जैसे सूरज है, सूरज से हमारा लेकर ना सारी शक्ति उसने ऊपर जाना है। हर प्लांट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, वो सूरज के तरफ से जाता है, उससे अपनी एनर्जी लेता है। जब लेता है, इसलिए जो ऊपर जाएगा वो तकड़ा होएगा, जो नीचे रह जाएगा तो मर जाएगा। ये तो किसान पे डिपेंड करता है, उसने खेती कैसे करना है, कैसे बचना है इन जो प्रॉब्लम्स है। हम जैसे है इसको ऐसे गोडी भी कर देते हैं, इसको खाड़ भी देते हैं, अपने ऐसे टूल्स बना लेते हैं, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको कवर्ड भी कर देते हैं। फसलों को ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन मिले, इसीलिए जरनैल सिंह अपने यहाँ पर मिश्रित खेती भी करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो नेचर से ही नाइट्रोजन लेती हैं और सोयल को देती हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे के जो फलीदार होती हैं, दाल टाइप जो दो दली होती हैं, उसमें जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। अच्छा। ये उसका उदाहरण है। दूसरा, इसमें इंटर क्रॉप करना पड़ता है। अच्छा। हम ऐसी क्रॉप है जो ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, ये इसको हम इसको बिच ही इसके
इसके बीच ही बीज देते हैं। अच्छा, जैसे अच्छा। कि जो आपको सीड मिलेंगे इसके, जिसको इंटरक्रॉप कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है? ये नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट है। इससे तो कोई चीज निकलेगी नहीं? इसको भी फल मिलेगा हमें। अच्छा, मिलेगा। इसको हम फिर कणक से निकाल लेंगे, अलग निकाल लेंगे। अच्छा, ये इसको कहते हैं डिजाइनिंग, कैसे डिजाइन करना है हमने खेत को, कैसे खेत को उपजाऊ बनाना है, कैसे देना है और उससे कैसे लेना है। इसको फिर ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे। हाँ। ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, उसमें डंचा वगैरह देंगे, जिससे फुल ऑफ नाइट्रोजन हमारा खेत हो जाएगा। जर्नैल सिंह पशुपालन भी करते हैं। इन्होंने हरियाणवी, राठी व थारपारकर नस्ल की गाय पाल रखी हैं। ये अपने पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगाया गया चारा ही खिलाते हैं। काफी पहले ये दूध बेचने का काम भी करते थे। हमारा दूध है जो कम से कम 75 रुपये केजी लीटर लेते हैं। घी हमारा अबव 1000 केजी बिकता है। गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन की मदद से ये अपने खेतों के लिए खाद तैयार करते हैं। और ये खाद जब खेतों में दी जाती है तो कैसे काम करती है, उसका साइंटिफिक तरीका क्या है, वो भी आप जर्नैल सिंह से ही जान लीजिए। 10 किलो गोबर में 5 लीटर पेशाब, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और उसमें 100 लीटर पानी डालते हैं। ये एक एकड़ में वो डालते हैं, इतना डालते हैं एक महीने बाद। अच्छा, अच्छा। इनका काम है, नाइट्रोजन फिक्सर है इसमें, फास्फोरस फिक्सर है, पोटास का काम भी यही करते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स ये सप्लाई करते हैं प्लांट को। अच्छा, अच्छा। इनका काम है, ये कन्वर्टर हैं। जैसे हमारे पोटास का जरूरत है प्लांट को, ये एक सवाल है कैसे आएगा, ये कैसे देंगे। हमारे सोयल में डायरेक्ट पोटास नहीं है, ये बना के देंगे। अच्छा, ये उनकी पूरी, ये सोयल में सिलिकेट है, सिलिकेट इनका खुराक है। बैसिलस सिलिकस नाम का एक जानवर है, इसमें बैक्टीरिया है। हाँ। उसका खुराक है सिलिकेट, वो उसको खाएगा और जब वो अपने शरीर से निकालेगा वो पोटास बनेगा। पोटास किसके काम आएगा, प्लांट के काम आएगा। अच्छा। ये है कुदरत का डिपेंडेंसी निज़म, जैसे उसने डिपेंडेंसी पाया है इस नेचर में। देखो, 3 लाइफ्स है इस धरती पे। सबसे पहला है प्लांट लाइफ, दूसरी लाइफ है एनिमल और इंसेक्ट लाइफ, तीसरी है ह्यूमन लाइफ। दे आर कोरिलेटेड, एक दूसरी के बिना ये जिंदगी एक भी नहीं बसर करेगा। जब हम एक दूसरे का सहारा नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक जिंदगी को जब खतरा हो गया तो तीनों को हो जाएगा। खेती में अपने पूरे परिवार का सहयोग इन्हें मिलता है। ये लोगों को सिखाते भी हैं कि खेती कैसे की जाए। और तो और, इन्होंने अपनी पत्नी को भी इस खेती में माहिर कर लिया है, क्योंकि इनका मानना है कि खेती में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ हेल्पर की नहीं, बल्कि इस पर महिलाओं की पूरी पकड़ होनी चाहिए। काम तो करती है हर औरत हाथ से। हाँ हा। लेकिन जब आइडियोलॉजिकली औरत इस काम में जुड़ जाती है, हाँ। तो फिर कोई मुश्किल नहीं आती है, वो पक्के तौर पे समझ जाती है कि केमिकल खेती क्यों नहीं करना और ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल एग्रीकल्चर क्यों करना है। हमें ये काम अच्छा लगता है, इसलिए हम यही खेती को पसंद करते हैं। जो हमें समझाते हैं इसके बहुत फायदे हैं, इसलिए हम भी जुड़ना चाहते हैं। कई बार किसानों को परेशानी होती है जब वो कहते हैं कि उन्हें सही बाजार नहीं मिलता। ऐसे किसान निराश ना हों, समझदारी से काम करें तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देखो, 2 बातें हैं इसमें। एक तो आप जो हौली हौली बाजार बनता है, एक आपका सबसे पहले बात है इसमें ऑनेस्टी। जब आपकी खेती करने का पूरा लोगों को ऑनेस्टी का सबूत मिल गया, तब लोगों में ये फ्लैश हो जाएगी बात कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो फिर मार्केट का प्रॉब्लम ही नहीं होता। जब बंदा ऑनेस्ट नहीं होता, फार्मर करता कुछ है तो बोलता कुछ है, इसमें ये नहीं चलेगा। अच्छा। वो हमने प्रैक्टिकल में देख लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों ने बहुत महंगे खरीदे। अच्छा। आज भी खरीद रहे हैं, दूर दूर से लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं हमारे से, उतना पूरा भी नहीं हो रहा देने के लिए। पंजाब से सबसे महंगा वस्तु है जो मेरा बिकता है। तो दोस्तों, कुदरती या प्राकृतिक खेती, जिसे करने से पहले अक्सर किसान डरते हैं कि इससे उपज कम होती है, मेहनत ज्यादा लगती है, इसका कोई बाजार नहीं है वगैरह वगैरह, वो अब अपनी ऐसी सोच को बदल लें। क्योंकि एक डॉक्टर भी जब किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि पेशेंट पहले कितनी हैवी डोज खाने के बाद उसके पास में आया है, ताकि वो उससे ज्यादा हैवी दवाइयां उसे देकर मरीज का इलाज ठीक से कर सके।
इसी तरह से हमारे देश की मिट्टी के साथ में भी था कि वो कितने रसायनों से होकर के गुजरी है या फिर कितनी ज्यादा उसके ऊपर रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया है, उसे समझने में जो कुदरती खेती के विशेषज्ञ हैं उनको थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि मिट्टी कितनी बीमार है और उसमें कितनी खाद की आवश्यकता है, और अब वो इसका इलाज जल्दी ही करने में माहिर हो गए हैं। इसीलिए आप भी अच्छे से सीख कर इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं, बिना इस बात से डरे कि कहीं उत्पादन कम तो नहीं हो जाएगा। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जो अब कोई न्यू कमर किसान होएगा, हम उसको जब ये कंसेप्ट पूरा स्टडी करा देंगे तो उसको इतना मुश्किल नहीं आएगा। हमने तो इस पे एक तरह का रिसर्च किया है। अच्छा। हमें तो मुश्किल आया था, लेकिन अब हमने इतना स्टडी हो गया है, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि न्यू कमर किसान को हम इतना प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और अब जानते हैं जरनैल सिंह जी से कुछ ऐसी बातें जो जीव जगत से कह लीजिए या फिर मिट्टी के हिसाब से कह लीजिए सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दुश्मन कीट और मित्र कीट का जो झंझट पाया है हमारी यूनिवर्सिटियों ने, ये गलत है। एक भी कीट दुश्मन नहीं है। जब हम नेचर के कंसेप्ट में सोचते हैं, उसका स्टडी करते हैं, नेचर ने तो किसी का दुश्मन पैदा ही नहीं किया। जब दुश्मन एक दूसरे का दुश्मन पैदा कर देती तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। ये ही कहते हैं कुदरती खेती। इसका है कुदरती कलर, ये नेचुरल कलर है, इसका अपना कलर है। ये बनावटी कलर है। अच्छा। जो ये हम देख रहे हैं, ये इतना इसमें डार्कनेस है, इतना ब्लैकनेस है, ये बनाया हुआ है खादों से। अच्छा। ये उसका अपना कलर है प्लांट। हमारी जो इंडिया की सोयल है ये फुल ऑफ मिनरल्स है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका काम है खेती में प्लांट का, प्लांट की सर्विस करना। अच्छा। ये एज ए कन्वर्टर काम करते हैं। अच्छा। जो मर जाते हैं केमिकल के साथ। अच्छा। हमने उसको ही सर्वाइव करना है, उसको ही सोयल को, उसको ही लिविंग सोयल बना देना है।